गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 12 जुलाई और आज के सेशन में 12 जुलाई से संबंधित करेंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। विश्व तीरंदाजी युवा चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन या फिर आयरलैंड? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास का पहला सवाल, डेल और इंटेल द्वारा भारत में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इस लैब की स्थापना की जाएगी तेलंगाना में। तो जान लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल ने तेलंगाना संस्थान में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। फ्रेंड्स, इस प्रयोगशाला का या इस साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है वो डिजिटल कौशल अंतर को पाटना और इंटेल के AI फॉर यूथ कार्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत करके तेलंगाना में लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में छात्रों को सशक्त बनाना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेल टेक्नोलॉजी के CEO कौन हैं, तो इनका नाम है माइकल एस डेल। इंटेल के वर्तमान में CEO कौन है, तो इनका नाम है पैट्रिक पी। इसी के साथ आपको याद होगा इंटेल से ही संबंधित एक न्यूज़ है जो कि मार्च की न्यूज़ है। किसके सह संस्थापक गॉर्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो गॉर्डन मूर थे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये इंटेल के सह संस्थापक थे। देखिए, जुलाई 1968 में इंटेल की स्थापना गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा की गई थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करेंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से लॉन्च किया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत 127वें स्थान पर रहा है। किस शहर में देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई थी। अब जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं, यह है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना की जो सीमा है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। इसके अलावा याद रखेंगे कि तेलंगाना राज्य कब बना था? 2014 में। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। अमरावत टाइगर रिजर्व, ये सुर्खियों में रहा था, याद रखेंगे ये तेलंगाना में है। किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फुट ऊंची काश्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो ये हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है शांति कुमारी। तो इतनी जानकारी आप सभी को तेलंगाना के बारे में याद रखनी है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल, वस्तु और सेवा कर परिषद की जो 50वीं बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, 50वीं बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। वहीं आपको याद होगा कि 49वीं जो बैठक थी ये फरवरी में आयोजित की गई थी और ये बैठक भी कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। GST परिसर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि जान लेते हैं। GST को लागू करने के लिए 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक विधेयक पारित किया गया था। संशोधन कौन सा था? तो 122वां था। GST परिसर को GST से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया।
यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(a)(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जीएसटी के बारे में और क्या क्या याद रखेंगे, तो भारत में वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू कर दिया गया था, 1 जुलाई 2017 में। भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है ये किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। समिति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो असम है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, तो किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, 279(a) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया ओलंपिक परिषद का जो एशिया ओलंपिक परिषद है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो फ्रेंड्स इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये कुवैत के रहने वाले हैं जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के अलावा जो तीन नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अजय बंगा, तो याद होगा आप सभी को, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख बने हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने हैं। और शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और याद रखेंगे कि गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को चुना गया था। अब बात कर लेते हैं एशिया ओलंपिक परिषद की, तो देखिए इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है, तो कुवैत सिटी यानी कि कुवैत में स्थित है। अध्यक्ष नियुक्ति लेटेस्ट करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है रूबी सिन्हा। गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है हसमुख अथिया। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो उनका नाम है सीओ कुमार सिंह। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो अनुसंधान सलाहकार समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो उनका नाम है बी नीरज प्रभाकर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला सवाल, कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कनाडा ओपन जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है 2023 इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। याद रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से भी बन सकता है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। और ये भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। पूछा जा सकता है कि जो कनाडा ओपन का खिताब है ये किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने चीन के ली सिंग फैन को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अब खिताब के बारे में, जैसे कि अर्जेंटीना ओपन का जो खिताब है ये किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। मियामी ओपन 2023 का जो पहला खिताब था ये रूसी टेनिस स्टार यानी कि दानिल मेदवेदेव ने जीता था। भारतीय गोल्फर जिनका नाम है अतिथि असो, इन्होंने केन्या जो लेडीज ओपन 2023 है ये खिताब अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच के बारे में याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता था। जो आर्याना सवालेंका हैं इन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खिताब हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। इस वर्ष का विषय क्या है, तो इस वर्ष का विषय है लैंगिक सामान्यता की शक्ति को उजागर करना, दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना है। तो ये इस बार का विषय रखा गया है। अब डिस्कस करेंगे जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों के बारे में। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है, नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है, सिक्किम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार
पहली जो जनगणना है ये कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है, मिजोरम में। महान विभाजक काल किसे कहते हैं, तो 1911 से 1921 तक के काल को कहा जाता है। अगला सवाल, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है, तो ये बैठक काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। याद रखेंगे विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आसियान, आसियान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीति और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। सदस्य देश कौन है आसियान के, तो इसमें शामिल है लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बोनोई, फिलीपींस, ये सभी इसके सदस्य देश हैं। और बैठक कहाँ पर हो रही है, तो इंडोनेशिया में हो रही है। अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति एडगर रिंकेब्रिग्स यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र के प्रमुख बने हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये हाल ही में कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, लातविया के, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं लातविया के बारे में, तो लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लातविया। इसके बारे में क्या क्या याद रखेंगे, तो यह बाल्टिक सागर पर स्थित एक देश है जो कि लिथुआनिया और एस्टोनिया के बीच स्थित है। राजधानी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे रीगा है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है वर्तमान में, तो इनका नाम है क्रिस जानिस करिंस। राजभाषा लातविआई है। अगला सवाल, निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 2075 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, एकलव्य नामक एक अग्रणी है जो शैक्षणिक पहल है ये किसने शुरू की है, तो इस पहल की शुरुआत की गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में, तो इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पारंपरिक कानून की डिग्री के बिना व्यक्तियों की विशेषज्ञता और विविध दृष्टिकोण को आकर्षित करना है। पहल किसने लॉन्च की है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा की गई है। अगला सवाल, फोर्ब्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को जगह बनाई है, मतलब कितनी भारतीय मूल की महिलाएं इस सूची में शामिल हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें भारतीय मूल की 4 महिलाएं शामिल हैं। इन 4 महिलाओं के नाम क्या हैं, तो इनके नाम हैं जयश्री उल्लाल, इंदिरा नुई, नेहा नरखेड़ा और नीरजा सेठी। ये 4 महिलाएं इस सूची में शामिल हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड में इसका आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में भारत ने 11 पदक जीते हैं, यानी कि 11 पदक जीतकर भारत दूसरे स्थान पर रहा है जबकि प्रथम स्थान पर रहा है कोरिया। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, तो दुनिया की जो सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है वो अमेरिका के पास है। पहले स्थान पर है अमेरिका, सेकंड पर है रूस, थर्ड पर है चीन और फोर्थ पर है भारत और फिफ्थ पर याद रखेंगे ब्रिटेन है। भारतीय तटरक्षकों हेतु डोर्नियर विमानों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय और किसके मध्य समझौता हुआ है, तो ये किसके साथ हुआ है, HAL के साथ हुआ है। किस मंत्रालय द्वारा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, तो इस रिपोर्ट को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। किस राज्य सरकार ने 11 जुलाई 2023 से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दुगना कर दिया है,
तो ये निर्णय लिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। किस देश में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पार्थ सालुके ने रिकर्व वर्ग है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले ये प्रथम पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया था? आयरलैंड में किया गया था। भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एक साल के लिए भारत ने बढ़ा दिया है, यानी कि जून 2024 तक इसे बढ़ा दिया गया है। किसके साथ? भूटान के साथ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मो जंगल जमी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 प्रस्तावित किया है? आंसर होगा केन्या ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है? आंसर होगा वाराणसी में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत और किस देश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया? तो भारत ने ये जापान के साथ किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ये कौन सी है? तो थायराइड है। मार्सल टीटो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये एथलेटिक्स से संबंधित है। पैडल, रिगाटा एवं बकेट किस खेल की शब्दावलियों में प्रयुक्त होते हैं? नौकायान। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लक्ष्मी राज्य की। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्नियों को। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीओ कुमार सिंह। गुजरात में पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किसने रखी है? सही आंसर था ऑप्शन सी, अमित शाह। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस के मनीला में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन आयोजित करेगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।